बेगूसराय प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दहिया गांव निवासी शिक्षाविद सारंगधर सिंह की सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर रिवाइल पैट जो डायग्नोस्टिक की ओर से दहिया में निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के 250 से अधिक रोगियों का निःशुल्क मधुमेह की जाँच की गयी। पैथोटेक्नोलॉजिस्ट साकेत कुमार ने कहा कि अनियमित दिनचर्या और खान पान से मधुमेह की बीमारी बढ़ रही है, इसका नियमित समय से जांच करें। मधुमेह बीमारी को हल्के में न ले, मधुमेह के रोगी को प्रतिदिन टहलना जरूरी है। इसके साथ ही खाली पेट न रहे, 3-4 घंटे में हल्का भोजन करने से मधुमेह की बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। मौके पर पैक्स अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, राम नरेश राय, कांग्रेस नेता इंद्रदेव राय, विनोद कुमार, नवीन कुमार, रवीश मिश्र, विवेक कुमार, अजीत कुमार आदि मौजूद थे। बीटी न्यूज भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। आज जो निःशुल्क मधुमेह शिविर लगाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? डायबिटीज के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आजकल 70% लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य है अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, एक्सरसाइज नहीं करना, और ज़्यादातर फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब नहीं खाना चाहिए। शिविर के माध्यम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? शिविर के माध्यम से संदेश यही देना चाहते हैं कि आप डायबिटीज के प्रति सचेत रहें, क्योंकि अभी डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है। आप 16 साल 17 साल के बच्चे को भी देखिए, आपको डायबिटीज की बीमारी हो रही है। इसलिए खान पान में थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए और नियमित दिनचर्या, एक्सरसाइज, ये सब करना चाहिए। क्या नाम है आपका? साकेत कुमार, पैथो टेक्नोलॉजिस्ट, रिलायबल पैथो डायग्नोस्टिक बेगूसराय। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। हॉस्पिटल जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।